चलिए रेस टू प्लेऑफ्स की शुरुआत आज दबंग दिल्ली केसी के लिए। आज की शाम नवीन एक्सप्रेस अपनी पहली रेड करने उतरे हैं। पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी इस सीजन में, तब नवीन एक्सप्रेस नहीं खेले थे और नवीन कुमार की एब्सेंस में बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो दिल्ली को हुआ नहीं था, लेकिन आज इनकी एब्सेंस से बड़ा नुकसान हो सकता है। आज प्रेजेंस है, प्रेजेंट लगा दी है, पॉइंट लाने होंगे। ये न्यू लुक पटना है। एक आपको मोहम्मद रेजा दिखाई दे रहे हैं, उनकी दूर से पहचान आती है। स्कोर इस समय 5-5 से बराबर है। दिल्ली अगर जीती तो अगले दौर में जाएगी। तकरीबन 11 मिनट का टाइम अभी बाकी है पहले हाफ में। और नवीन की तेजी जो हम आमतौर पे देखते हैं शुरुआती पहले 10 मिनटों में, वो उतनी तेज अब हो गई है। पूरा मान गए वो, आपको बहुत पलटने में मजबूर कर दिया। मंजीत छिल्लर पहली बार आज आउट। इन्होंने बेहतरीन इनिशिएट किया था टैकल, लेकिन मोनू का एस्केप उससे और ज्यादा बेहतर था। देखिए एडवांस बॉकलाइन के पार डाइव लगी थी मंजीत चिल्लर की। दिल्ली अगर टाई भी कर ले तो अगले दौर में चले जाएंगे। पहले हाफ की समाप्ति के बाद दबंग दिल्ली के पास 2 पॉइंट की लीड है। अच्छा मुकाबला खेला था पिछला यूपी के खिलाफ, लेकिन इस बार स्ट्रगल जारी है। क्या हाथ गया है मिडलाइन के पार। मंजीत आ गए हैं पैरवी करने के लिए, शायद ये ऑल आउट रेड हो। मंजीत को आउट दिया गया और रिव्यू का मामला क्या बनता है। प्लीज नंबर 5, No arguments, please. एक प्रकार से डुबकी लगाई, नीचे झुके ताकि डिफेंडर को एंगल ना मिले। दिल्ली की टीम उस पटना से खेल रही है जिसके पास कोई स्टार आज मैट पे नहीं है, उसके बावजूद दिल्ली अभी तो जीती नहीं। स्कोर बराबर है। जीवा कुमार को दो टच मारा है किसने, रोहित ने, जो बहुत कम कोर्ट में नजर आए हैं। रेड। इस डू और डाई रेड को पटना पायरेट्स की सफल नहीं होने देना होगा। कौन करेगा पहली? यहां मंजीत छिल्लर आज हाई फाइव लगाया है लेफ्ट कॉर्नर खेल के, या कृष्ण ढोल। कृष्ण ढोल का पहला टच। लीड बड़ी है दबंग दिल्ली केसी की, और अब दिल्ली ने इस मैच को जीत लिया है क्योंकि अगली रेड भी दिल्ली की है। बहुत देर तक क्रिएटर यहां से वहां रोहित घूमते रहे। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल नंबर 2 पे आ गए हैं। नवीन भले ही ना खेले पर मंजीत टीम के सरताज बने, कैप्टन बने, और हुडा साहब के साथ लगातार तीसरी बार दिल्ली प्लेऑफ में जाएगी और संभवतः सीधा सेमीफाइनल में भी जाएगी।